अस्सलाम वालेकुम क्लास, आज हम चैप्टर नंबर 7 करेंगे, इंटेग्रल इक्वेशंस विद सिमेट्रिक कर्नल्स। इसके पहले वीडियो में जो है वो हम सिर्फ कुछ डेफिनेशंस और कुछ थ्योरम्स करेंगे, जस्ट स्टेटमेंट्स करेंगे जो आपने याद करनी है। नेक्स्ट जो इससे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर होगा इसी चैप्टर का, उसके अंदर हम इसके अंदर एग्जाम्पल करेंगे। सबसे पहले डेफिनेशन सिमेट्रिक कर्नल्स के, जो आपने बहुत दफ़ा की भी हुई है ऑलरेडी। अ कर्नल इज सिमेट्रिक अगर हम के ऑफ एक्स टी को लिख सकें के ऑफ टी एक्स, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ टी एक्स। एक्स को टी से रिप्लेस कर दें और टी को एक्स से रिप्लेस कर दें तो सेम वही कर्नल आए, तो हम कहते हैं सिमेट्रिक कर्नल है। और सिमेट्रिक इक्वेशन क्या होती है? वो इंटेग्रल इक्वेशन जिसके अंदर सिमेट्रिक कर्नल आ रहा हो उसको हम कहते हैं सिमेट्रिक इक्वेशन। तो पहली डेफिनेशन ये बनती है। जो सेकेंड डेफिनेशन आपने करनी है वो है इनर और स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन। इनर और स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू कॉम्प्लेक्स एल टू फंक्शन, दो कॉम्प्लेक्स एल टू फंक्शन ले रहे हैं हम फाय और साए, उनको हम किससे डिनोट करते हैं? ब्रैकेट फाई कॉमा साई एंड ब्रैकेट क्लोज, ये इनर प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसके इक्वल होगा ये इनर प्रोडक्ट? इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी फाई ऑफ एक्स कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ साई ऑफ एक्स डी एक्स। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ इनर और स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू कॉम्प्लेक्स एल टू फंक्शन। दो फंक्शन ये जो आपके पास फाई और साई है कब ऑर्थोगोनल होंगे? अगर आपके पास ये इनर प्रोडक्ट फाई और साई का इक्वल आ जाए जीरो के, दैट इज दिस इंटेग्रल ए टू बी फाई ऑफ एक्स कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ साई ऑफ एक्स डी एक्स इज जीरो। अच्छा, इसके बाद नॉर्म कैसे लिखेंगे हम? इसकी नॉर्म की डेफिनेशन यहाँ पे क्या बनेगी कि नॉर्म को हम डिनोट करेंगे डबल बार से। नॉर्म ऑफ फाई एक्स को किस तरह लिख सकते हैं? स्क्वेयर रूट, ये जो वन हाफ लिखा हुआ है इसका मतलब है स्क्वेयर रूट ऑफ इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी फाई ऑफ एक्स फाई बार ऑफ एक्स डी एक्स। फाई बार का मतलब है कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। और फाई एक्स और फाई बार ऑफ एक्स को हम लिख सकते हैं फाई ऑफ एक्स का एब्सोल्यूट वैल्यू स्क्वायर। ये डेफिनेशन है कि इस चीज़ को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ये आप याद रखिएगा, आगे ये रिजल्ट यूज भी होगा। और फाई ऑफ एक्स नॉर्मलाइज्ड कब होगा? अगर ये जो नॉर्म है ये इक्वल आ जाए वन के तो हम कहेंगे कि ये नॉर्मलाइज्ड है फंक्शन फाई ऑफ एक्स। कॉशी श्वार्ट्ज़ इनइक्वालिटी जो हमें कहती है कि फाई ऑफ एक्स साई ऑफ एक्स हमने कंसिडर किए हैं दो एल टू फंक्शन, इनर प्रोडक्ट ऑफ फाई साई एब्सोल्यूट वैल्यू लेस और इक्वल आए अगर हम दोनों का सेपरेटली नॉर्म लें और प्रोडक्ट आ जाए। मिनकोस्की इनइक्वालिटी क्या कहती है कि फाई और साई को ऐड करके नॉर्म लें तो वो लेस और इक्वल होता है फाई और साई का अलग अलग नॉर्म लेके उनको ऐड करके। फिर नेक्स्ट करेंगे हम कॉम्प्लेक्स हिल्बर्ट स्पेस, अ लीनियर स्पेस ऑफ इनफाइनाइट डायमेंशन विद इनर प्रोडक्ट एक्स वाई विच इज़ अ कॉम्प्लेक्स नंबर इज कॉल्ड अ कॉम्प्लेक्स हिल्बर्ट स्पेस। कब कॉम्प्लेक्स हिल्बर्ट स्पेस कहलाएगी? अगर ये तीन एक्जियम सेटिस्फाई हो जाए। पहला एक्जियम कहता है कि इनर प्रोडक्ट एक्स एक्स ग्रेटर देन जीरो आए फॉर एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो। लीनियरिटी एक्जियम क्या कहता है? एल्फा ऑफ एक्स वन प्लस बीटा ऑफ एक्स टू वाई इक्वल होना चाहिए एल्फा ऑफ एक्स वन वाई प्लस बीटा ऑफ एक्स टू वाई। ये लीनियरिटी एग्जियम आपने लीनियर अलजेब्रा में भी किया हुआ है। एक्जियम ऑफ हार्मिशियन सिमेट्री क्या कहता है कि वाई एक्स इक्वल है हमारे पास एक्स वाई के कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट के। इसके अलावा जो हमें नेक्स्ट डेफिनेशन करनी है वो है कंप्लीट मीट्रिक स्पेस। मीट्रिक स्पेस कब कंप्लीट होती है? अगर कॉशी सीक्वेंस जो है वो कन्वर्जेंट सीक्वेंस हो जाए। इसके अलावा हिल्बर्ट स्पेस क्या होती है? हिल्बर्ट स्पेस हमारे पास एक ऐसा इनर प्रोडक्ट लीनियर स्पेस होता है जो कंप्लीट होता है इन इट्स नेचुरल मीट्रिक। ये कुछ डेफिनेशन करनी है आपने। इसके अलावा यहाँ पे 7.1 में सम एग्जांपल्स ऑफ द कंप्लीट ऑर्थोनॉर्मल सिस्टम्स की कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं, 3, 4 और 5। करने की ज़रूरत तो नहीं, पेपर में नहीं आती हैं, सच इंक्लूडेड नहीं होती हैं, लेकिन एक दफ़ा आप इसको रीड कर लीजिएगा। कुछ फार्मूलाज दिए हुए जस्ट लेजेंडर पॉलिनोमियल का, बेसल फंक्शन का, ये कुछ फार्मूलाज हैं, जस्ट एक दफ़ा आप उसको देख लीजिएगा। 7.2 में अब हमारे पास सम फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ आइगन वैल्यूज एंड आइगन फंक्शंस आते हैं फॉर सिमेट्रिक कर्नल्स। फर्स्ट थ्योरम क्या कहता है कि इफ अ कर्नल इज सिमेट्रिक देन ऑल इट्स आइटरेटेड कर्नल्स आर आल्सो सिमेट्रिक। अगर एक कर्नल सिमेट्रिक है तो उसके सारे आइटरेटेड कर्नल्स भी सिमेट्रिक होंगे। ठीक है, प्रूफ नहीं कर रहे हम इसकी, सिर्फ जस्ट स्टेटमेंट्स कर रहे हैं। सेकेंड थ्योरम क्या है? सेकेंड थ्योरम को हम हिल्बर्ट थ्योरम भी कहते हैं। इसकी स्टेटमेंट आप याद कीजिएगा, जिन जो नेम के साथ थ्योरम्स होते हैं वो याद किया करें आप। हिल्बर्ट थ्योरम क्या कहता है कि एवरी सिमेट्रिक कर्नल विद अ नॉर्म नॉट इक्वल टू जीरो हैज एटलीस्ट वन आइगन वैल्यू। हर सिमेट्रिक कर्नल जिसका नॉर्म जीरो नहीं है उसके पास कम से कम एक आइगन वैल्यू तो होती ही है। ठीक है,
या फिर इस स्टेटमेंट को हम एक और तरीके से भी लिख सकते हैं, इफ़ द कर्नल इज सिमेट्रिकल एंड नॉट आइडेंटिकली इक्वल टू जीरो देन इट हैज़ एटलीस्ट वन आइगन वैल्यू। फिर इसी थ्योरम टू के आगे जो है वो हमारे पास सपोर्टिव थ्योरम थ्योरम टू ए है, इफ़ द कर्नल इज रियल, रियल है, सिमेट्रिकल है, सिमेट्रिकल का मतलब क्या होता है कि एक्स को टी से रिप्लेस करो, टी को एक्स से, तो कोई फर्क ना आए, एंड नॉट आइडेंटिकली इक्वल इज जीरो देन इट हैज़ एटलीस्ट वन आइगन वैल्यू। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ एक एडिशन क्या है कि रियल की भी एक्सप्लेनेशन कर दिया कि रियल भी हो। इसके अलावा थ्योरम टू ए के बाद स्टेटमेंट जो आपने करनी है वो है थ्योरम थ्री की, जो कि इम्पॉर्टेंट भी है। द आइगन वैल्यूज ऑफ अ सिमेट्रिक कर्नल आर रियल, जो आइगन वैल्यूज सिमेट्रिक कर्नल की आप फाइंड करते हैं वो रियल होती हैं। तो ये प्रूफ छोटा सा भी है और इम्पॉर्टेंट भी है, तो देख लेते हैं। और इसकी एक और स्टेटमेंट भी हो सकता है आपको पेपर में ये स्टेटमेंट कहें कि प्रूफ करें, या हो सकता है वो कहें कि इफ़ के ऑफ एक्स टी इज़ रियल सिमेट्रिक कॉन्टीन्यूअस एंड आइडेंटिकली नॉट इक्वल टू जीरो देन ऑल द करेक्टरिस्टिक कॉन्स्टेंट आइगन वैल्यूज आर रियल। इसका प्रूफ देख लेते हैं। अच्छा, कह रहे हैं कि आइगन वैल्यूज जो हैं वो रियल होंगी सिमेट्रिक कर्नल की, यानी गिवन क्या है कि कर्नल हमारे पास सिमेट्रिक है। अब दो आइगन वैल्यूज, जाहिर है आइगन वैल्यूज को रियल शो करने के लिए कुछ ज्यादा, एक तो नहीं लेंगे, थोड़ी ज्यादा लेंगे। लेट लेमडा एंड फाई बी एन आइगन वैल्यू। अच्छा, लेमडा को हम आइगन वैल्यू ले रहे हैं और फाई ऑफ एक्स को कोरस्पॉन्डिंग आइगन फंक्शन ले रहे हैं। फाई ऑफ एक्स इज कोरस्पॉन्डिंग टू दिस आइगन वैल्यू लेमडा ऑफ द कर्नल के ऑफ एक्स टी। तो हम आइगन फंक्शन कैसे लिखते हैं? आइगन फंक्शन इज योर फाई ऑफ एक्स इज आइगन वैल्यू लेमडा इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी के ऑफ एक्स टी फाई ऑफ टी डी टी। इस इक्वेशन नंबर वन को हम मल्टीप्लाई करने लगे हैं कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट फाई ऑफ एक्स के साथ दोनों साइड्स को, और इंटीग्रेट करने लगे हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स फ्रॉम ए टू बी। दोनों साइड पे फाई बार ऑफ एक्स से मल्टीप्लाई किया और मल्टीप्लाई करने के साथ साथ इंटीग्रेशन भी अप्लाई कर दी। अब अगर आप ऑब्जर्व करें, ये जो के ऑफ एक्स टी फाई ऑफ टी डी टी है, यहाँ पे डेफिनेशन ऑफ फ्रेडहोम ऑपरेटर के अप्लाई करने लगे हम। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ फ्रेडहोम ऑपरेटर के। क्या है डेफिनेशन? कि ये के ऑफ एक्स टी फाई ऑफ टी डी टी इक्वल होता है के फाई के। ठीक है, और आपको ये पता है कि नॉर्म जो होता है फाई ऑफ एक्स का वो स्क्वायर रूट ऑफ इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी फाई ऑफ एक्स फाई बार ऑफ एक्स डी एक्स होता है। ठीक है, अब ये जो आपके पास दो डेफिनेशंस हैं, दो डेफिनेशंस इनर प्रोडक्ट की हैं, ये हम यूज करने वाले हैं किस इक्वेशन में? इस इक्वेशन नंबर टू में। ये देखें यहाँ क्या आ रहा है, ए टू बी फाई ऑफ एक्स फाई बार ऑफ एक्स, ए टू बी फाई ऑफ एक्स फाई बार ऑफ एक्स, स्क्वायर रूट हटा के यहाँ ले जाएं तो यहाँ स्क्वायर आ जाएगा ना। तो इसका मतलब है कि ये जो इंटेग्रल है ये किसके इक्वल है? नॉर्म का स्क्वायर, यानी इसकी जगह क्या आ गया? फाई ऑफ एक्स नॉर्म स्क्वायर लेमडा एज इट इज, और ये आपके पास क्या बनता है? के फाई। ये के फाई बन गया, ये फाई बार ऑफ एक्स, तो ये इनर प्रोडक्ट की डेफिनेशन बन गई है। तो यहाँ लिखेंगे लेमडा इनर प्रोडक्ट ऑफ के फाई एंड फाई। अब लेमडा को अपनी जगह पर रखेंगे और इनर प्रोडक्ट के फाई और फाई को यहाँ जाके डिवाइड कर देंगे। ठीक है, सिंस बोथ द न्यूमिरेटर, अब देखो एब्सोल्यूट वैल्यू का स्क्वायर है, ये इनर प्रोडक्ट है, दोनों ही रियल हैं, तो इसका मतलब है लेमडा हमारे पास जो आइगन वैल्यू है वो भी क्या आई? रियल आई। तो इस तरह से आपका ये थ्योरम प्रूफ हो गया। थ्योरम फोर पे आए, थ्योरम फोर कहता है कि द आइगन फंक्शंस ऑफ अ सिमेट्रिक कर्नल कॉरेस्पॉन्डिंग डिफरेंट आइगन वैल्यूज आर ऑर्थोगोनल। जो डिफरेंट आइगन वैल्यूज के कॉरेस्पॉन्डिंग आपके पास आइगन फंक्शंस आते हैं वो ऑर्थोगोनल होंगे अगर आपके पास सिमेट्रिक कर्नल है। तो इसकी सेकंड जो स्टेटमेंट है वो ये वाली बनती है। आप सेकंड स्टेटमेंट भी इसकी जहन में रख लें, हो सकता है ये स्टेटमेंट दे दें पेपर में, हो सकता है ये स्टेटमेंट दे दें। ठीक है, अच्छा अब इसको प्रूफ करते हैं। क्या प्रूफ करना है हमने? कि ऑर्थोगोनल है आइगन फंक्शंस से। अब हमें यहाँ पे आइगन फंक्शंस की बात करें, दो आइगन फंक्शंस कंसिडर कर लेते हैं, एक फाई एम ऑफ एक्स और एक फाई एन ऑफ एक्स। दो आइगन फंक्शंस कॉरेस्पॉन्डिंग टू टू आइगन वैल्यूज, कौन कौन से आइगन वैल्यूज? लेमडा एम एंड लेमडा एन। और ये जो लेमडा एम और लेमडा एन है ये इक्वल नहीं है एक दूसरे के, ये डिस्टिंक्ट हैं आपके पास, तभी तो अलग अलग आइगन फंक्शंस आए हैं ना। अब दोनों के आइगन फंक्शन की डेफिनेशन यूज करते हुए हम यहाँ पे आइगन फंक्शंस लिख लेते हैं। फाई एम ऑफ एक्स इज लेमडा एम के ऑफ एक्स टी फाई एम ऑफ टी डी टी।
ऑफ एक्स इज लेमडा एन ए टू बी के ऑफ एक्स टी फाई एन ऑफ टी डी टी। अच्छा अब आपको ये पता है कि ये जो लेमडा एन है ये रियल है, ये रियल आइगन वैल्यू है, ठीक है। अगर ये रियल है तो आपके पास फाई एन ऑफ एक्स भी तो रियल होगा, आइगन फंक्शन भी रियल होगा, तो हम वहाँ पे कॉम्प्लेक्स लगा दें तो कोई फर्क तो नहीं पड़ता, बार लगा दें तो बार लगा देंगे, फाई एन ऑफ एक्स के ऊपर भी, के ऑफ एक्स टी के ऊपर भी, फाई एन ऑफ टी पे। अब गिवन था आइगन फंक्शंस ऑफ अ सिमेट्रिक कर्नल, कर्नल हमारे पास सिमेट्रिक है, गिवन है, तो इसका मतलब है के बार ऑफ एक्स टी को हम लिख सकते हैं के ऑफ टी एक्स। अब ये दोनों इक्वेशंस को हम यूज करने वाले हैं, रीराइट करने वाले हैं, कैसे, के बार ऑफ एक्स टी की जगह पे लिख देंगे के ऑफ टी एक्स, ठीक है। अब इस इक्वेशन में एक्स को टी से रिप्लेस करने वाले हैं और टी को एक्स से रिप्लेस कर दें, या एक्स की जगह टी आ गया, टी की जगह एक्स, एक्स की जगह टी, टी की जगह एक्स, टी की जगह एक्स आ गया। अब ये जो पहली इक्वेशन थी फाई एम ऑफ एक्स, इसके दोनों साइड पे मैं फाई एन बार ऑफ एक्स अब मल्टीप्लाई करके और इंटीग्रेट करने वाली हूँ ए टू बी, इस फाई एम ऑफ एक्स पे दोनों साइड पे इससे मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेट करने वाली हूँ, दोनों साइड पे फाई एन ऑफ एक्स पावर मल्टीप्लाई किए और इंटीग्रेशन अप्लाई कर दिए फ्रॉम ए टू बी। अब ऑब्जर्व करें यहाँ पे, ये देखें मैं ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन चेंज करने वाली हूँ, देखिए फाई एन बार ऑफ एक्स को मैं यहाँ अंदर ले आई हूँ और फाई एम ऑफ टी को यहाँ बाहर ले गई हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ा मेरे पास, ठीक है। डी एक्स भी अंदर, ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन क्योंकि लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन सेम है तो मैं ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन चेंज कर सकती हूँ। अब यहाँ पे देखें के ऑफ एक्स टी फाई एन बार ऑफ एक्स डी एक्स किसके इक्वल है, फाई एन बार ऑफ टी ओवर लैम्डा एन, ये जो चीज़ है ये किसके इक्वल है, फाई एन बार ऑफ टी ओवर लैम्डा एन, तो ये चीज़ यही बन रही है, ये देखें, तो इसकी जगह क्या वैल्यू आ जाएगी, इसकी जगह वैल्यू आएगी फाई एन बार ऑफ टी ओवर लैम्डा एन, फाई एन बार ऑफ टी ओवर लैम्डा एन, वो कांस्टेंट था तो उसको बाहर लिखा हुआ है, ठीक है। अब लैम्डा एन यहाँ डिवाइड हो रहा है, लेफ्ट साइड पे जाके यहाँ मल्टीप्लाई कर दें, अब दोनों ये जो लेफ्ट राइट साइड पे इंटेग्रल है यहाँ आके माइनस हो जाएगा, माइनस होगा तो दोनों इंटेग्रल सेम है तो दो इंटेग्रल कॉमन ले लेंगे तो लैम्डा एन माइनस लैम्डा एन बच जाएगा। अब या तो आपके पास ये किसकी डेफिनेशन बन रही है, इनर प्रोडक्ट ऑफ फाई एम फाई एन। अब क्वेश्चन में क्या गिवन था, क्वेश्चन में गिवन था कि यहाँ पे आपने स्टार्ट में क्या कहा था कि लैम्डा एम और लैम्डा एन इक्वल नहीं है, यानी कि लैम्डा एम माइनस लैम्डा एम जो है वो इज़ नॉट इक्वल टू जीरो, सो इसका क्या मतलब हुआ कि ये टर्म जीरो है, यानी कि इन ये दोनों फंक्शंस आपस में ऑर्थोगोनल हैं क्योंकि इनका इनर प्रोडक्ट आपस में जीरो आ गया है। आई होप आपको ये थ्योरम का प्रूफ जो है वो समझ आ गया होगा। अब थ्योरम फाइव की डेफिनेशन करते हैं, क्या है, द मल्टीप्लिसिटी ऑफ एनी नॉन जीरो आइगन वैल्यू इज फाइनाइट फॉर एवरी सिमेट्रिक कर्नल फॉर विच इंटीग्रेशन ए टू बी के ऑफ एक्स टी मॉड स्क्वायर डी एक्स डी टी इज फाइनाइट। कोई भी नॉन जीरो आइगन वैल्यू की मल्टीप्लिसिटी करें तो वो फाइनाइट होगी फॉर एवरी सिमेट्रिक कर्नल जिसके लिए ये टर्म आपके पास फाइनाइट हो, ठीक है। फिर थ्योरम सिक्स पे आ जाए, स्टेटमेंट इसकी, थ्योरम सिक्स की स्टेटमेंट क्या कहती है, सीक्वेंस ऑफ आइगन फंक्शंस ऑफ अ सिमेट्रिक कर्नल कैन बी मेड ऑर्थोनॉर्मल। जो आइगन फंक्शंस सिमेट्रिक कर्नल के आइगन फंक्शंस हैं उनकी अगर सीक्वेंस को हम ऑर्थोनॉर्मल बना सकते हैं। थ्योरम सेवन ये कहता है कि द आइगन वैल्यू ऑफ अ सिमेट्रिक एल टू कर्नल फॉर्म अ फाइनाइट और इनफाइनाइट सीक्वेंस लैम्डा एन विद नो फाइनाइट लिमिट पॉइंट, इसका कोई फाइनाइट लिमिट पॉइंट नहीं होगा। थ्योरम एट, द सेट ऑफ आइगन वैल्यूज ऑफ सेकेंड आइटरेटेड कर्नल, सेकेंड आइटरेटेड कर्नल से जो सेट ऑफ आइगन वैल्यूज बन रहा होगा वो किससे कोइंसाइड करेगा, विद द सेट ऑफ स्क्वायर्स ऑफ आइगन वैल्यूज ऑफ द गिवन कर्नल। ये किससे कोइंसाइड करेगा, जो सेकेंड आइटरेटेड कर्नल के आइगन वैल्यूज हैं ये कोइंसाइड करेंगी स्क्वायर्स ऑफ आइगन वैल्यूज ऑफ गिवन कर्नल। थ्योरम नाइन क्या कहता है हमें, इफ लैम्डा वन इज द स्मॉलेस्ट आइगन वैल्यू ऑफ कर्नल के। अब बहुत सारी आइगन वैल्यूज आपको पता है ना, हमने पहले भी एक कुछ क्वेश्चंस किए थे जिसमें आइगन वैल्यूज आ रही थी, दो कम से कम आ रही थी, अगर उनमें कोई भी स्मॉलेस्ट आइगन वैल्यू है, इफ लैम्डा वन इज द स्मॉलेस्ट आइगन वैल्यू ऑफ कर्नल के देन
वन ओवर लैम्डा वन की जो एब्सोल्यूट वैल्यू है वो किसके इक्वल होगी, ये फॉर्मूला है एक आपके पास, ये मैक्सिमम ऑफ इनर प्रोडक्ट के फाई एंड फाई ओवर फाई का नॉर्म, और किसके इक्वल होगा मैक्सिमम ऑफ ये पूरी ये के फाई और फाई बेसिकली है क्या, इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी, ए टू बी के ऑफ एक्स टी फाई ऑफ टी फाई बार ऑफ एक्स टी टी डी एक्स, या हम इसको कैसे लिख सकते हैं वन ओवर लेमडा वन का नॉर्म इक्वल है मैक्सिमम ऑफ के फाई फाई के, कब, अगर आपके पास फाई नॉर्म इज इक्वल है वन के, अगर ये फाई नॉर्म वन के इक्वल आ गया तो सिर्फ क्या बचेगा मैक्सिमम के फाई और फाई। इसके अलावा आपने जो करना है वो हिल्बर्ट श्मिट थ्योरम है, हिल्बर्ट श्मिट थ्योरम की स्टेटमेंट भी आपने याद करनी है। क्या कहता है हिल्बर्ट श्मिट थ्योरम, इफ एफ ऑफ एक्स कैन बी रिटन इन द फॉर्म, किस फॉर्म में एफ ऑफ एक्स को लिख सकते हैं हम, अगर हम एफ ऑफ एक्स को इस फॉर्म में लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स इज इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी के ऑफ एक्स टी एच ऑफ टी डी टी, वेयर के ऑफ एक्स टी इज सिमेट्रिक एल टू कर्नल और एच ऑफ टी क्या है एल टू फंक्शन है, देन एफ ऑफ एक्स कैन बी एक्सपेंडेड इन एन एब्सोल्यूटली यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट फोरियर सीरीज। अगर आप एफ ऑफ एक्स को उस फॉर्म में लिख सकते हैं और के ऑफ एक्स टी सिमेट्रिक है एल टू कर्नल और एच ऑफ टी एल टू फंक्शन है, तो एफ ऑफ एक्स को कैसे एक्सपेंड कर सकते हैं हम, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट फोरियर सीरीज में कन्वर्ट कर सकते हैं, और वो कैसे लिखेंगे एफ ऑफ एक्स इज सम ऑफ एन इज इक्वल टू वन टू इन्फिनिटी इन्फिनिटी एफ एन फाई एन ऑफ एक्स, और एफ एन क्या है एफ एन इज एफ फाई एन, द फोरियर कोफिशियंट्स ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स आर रिलेटेड टू द फोरियर कोफिशियंट्स एच एन ऑफ द फंक्शन एच ऑफ एक्स बाय द रिलेशन, जो इनके फोरियर कोफिशियंट्स होंगे वो किस तरह से रिलेटेड होंगे आपस में एफ एन और एच एन के, एफ एन इक्वल होगा एच एन ओवर लेमडा एन के एंड एच एन इज इनर प्रोडक्ट एच एंड फाई एन वेयर लेमडा एन आर द आइगन वैल्यूज ऑफ द कर्नल के ऑफ एक्स टी। ये थ्योरम की स्टेटमेंट आपने याद करनी है, ठीक है। अच्छा, फिर इसके अलावा हमने डेफिनेट करना है जो मर्सल्स थ्योरम करना है, ये भी कुछ डेफिनेशंस हैं। नॉन नेगेटिव डेफिनेट कर्नल, नॉन नेगेटिव होता क्या, नॉन नेगेटिव का मतलब है वो सारे नंबर्स जो नेगेटिव नहीं है, यानी कि जीरो नेगेटिव नहीं है, वन नेगेटिव नहीं है, टू नेगेटिव नहीं है, तो हम इनको पॉजिटिव क्यों नहीं कहते, हम इनको पॉजिटिव नहीं कह सकते, अगर पॉजिटिव कहा तो उसमें जीरो नहीं आएगा, ठीक है, जीरो को इंक्लूड करने की वजह से इन्होंने नॉन नेगेटिव कहा है। नॉन नेगेटिव डेफिनेट कर्नल, अ सिमेट्रिक एल टू कर्नल इज सेट टू बी नॉन नेगेटिव अगर इनर प्रोडक्ट के फाई और फाई ग्रेटर इक्वल टू जीरो आ जाए फॉर एवरी एल टू फंक्शन फाई। पॉजिटिव कब होगा, अगर के फाई इनर प्रोडक्ट के फाई और फाई ग्रेटर इक्वल टू जीरो हो और एंड के फाई और फाई का इनर प्रोडक्ट इक्वल टू जीरो हो, इंप्लाइज दैट फाई इज नल। और नॉन पॉजिटिव कब होगा, नॉन पॉजिटिव के लिए लेस और इक्वल्स टू जीरो, और नेगेटिव डेफिनेट कर्नल कब होगा, जब लेस और इक्वल्स टू जीरो हो एंड के फाई और फाई जीरो हो, इंप्लाइज दैट फाई इज नल, ठीक है। इसके अलावा इनडेफिनेट कर्नल क्या होता है, असिमेट्रिक कर्नल दैट डज नॉट फॉल इनटू एनी ऑफ द अबव, कोई भी सिमेट्रिक कर्नल जो इनमें से किसी भी डेफिनेशन में फॉल ना करता हो, फोर टाइप्स ऑफ कर्नल में फॉल ना करता हो, उसको हम कहते हैं इनडेफिनेट कर्नल है, ठीक है। इसके अलावा मर्सल्स थ्योरम है, इसकी भी स्टेटमेंट देखनी है आपने, इफ अ नॉन नल सिमेट्रिक एल टू कर्नल इज क्वाजी डेफिनेट का मतलब क्या है, दैट इज व्हेन ऑल बट अ फाइनाइट नंबर ऑफ आइगन वैल्यूज आर ऑफ वन साइन, जो फाइनाइट नंबर ऑफ आइगन वैल्यूज हैं सबका एक ही साइन हो, वो सारे क्या हो क्वाजी डेफिनेट हो कॉन्टिन्यूस हो, देन द सीरीज समीशन एन इज इक्वल टू वन टू इन्फिनिटी लेमडा एन की पावर माइनस वन इज कन्वर्जेंट एंड के ऑफ एक्स टी की डेफिनेशन क्या बनेगी, समीशन एन इज इक्वल टू वन टू इन्फिनिटी फाई एन ऑफ एक्स फाई एन बार ऑफ टी ओवर लेमडा एन द सीरीज बींग यूनिफॉर्मली एंड एब्सोल्यूटली कन्वर्जेंट, ठीक है। लास्ट स्टेटमेंट जो हम करेंगे वो है स्टेटमेंट ऑफ हिल्बर्ट श्मिट थ्यूरम, हिल्बर्ट श्मिट थ्यूरम की हम स्टेटमेंट कर रहे हैं लास्ट, इसके बाद फिर एग्जाम्पल्स आ जाएंगे। लेट एफ ऑफ एक्स बी जनरेटेड फ्रॉम अ कॉन्टिन्यूस फंक्शन वाई ऑफ एक्स बाय द ऑपरेटर, किस ऑपरेटर से जनरेट हो रहा है ये, लेमडा इंटीग्रेशन ए टू बी के ऑफ एक्स टी वाई ऑफ टी डी टी, और के ऑफ एक्स टी क्या है
कॉन्टिन्यूस है, रियल है और सिमेट्रिक है. सो दैट एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल है, लैम्डा ए टू बी के ऑफ एक्स टी वाई ऑफ टी डी टी. देन एफ ऑफ एक्स कैन बी रिप्रेजेंटेड ओवर इंटरवल ए बी बाय अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द नॉर्मलाइज्ड आइगन फंक्शंस ऑफ होमोजीनियस इंटीग्रल इक्वेशन. कौन सी होमोजीनियस इंटीग्रल इक्वेशन, वाई ऑफ एक्स इज लैम्डा, इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी के ऑफ एक्स टी वाई ऑफ टी डी टी हैविंग के ऑफ टी एज इट्स कर्नल. तो एफ ऑफ एक्स को अगर हमारे पास एफ ऑफ एक्स जो है क्या कह रहे हैं, अगर हमारे पास एफ ऑफ एक्स को जनरेट किया जा सकता है फ्रॉम अ कॉन्टिन्यूस फंक्शन बाय दिस ऑपरेटर और कर्नल कॉन्टिन्यूस सिमेट्रिक है सच दैट एफ ऑफ एक्स इसके इक्वल है, देन एफ ऑफ एक्स को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं ओवर दिस इंटरवल बाय लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ नॉर्मलाइज्ड आइगन फंक्शंस ऑफ होमोजीनियस इंटीग्रल इक्वेशन. ठीक है, ये हमारे पास स्टेटमेंट है हिल्बर्ट श्मिट थ्योरम की. हिल्बर्ट श्मिट थ्योरम के बाद हम नेक्स्ट वीडियो में जो है वो कुछ एग्जांपल्स जो है वो सॉल्व करेंगे इस थ्योरम से रिलेटेड. सो आई होप आपको यहाँ तक थ्योरम्स की स्टेटमेंट्स जो है वो क्लियर हो गई होंगी. आपने जो वो याद करनी है डेफिनेशंस ही हैं ये एक तरह से, और कुछ फार्मूलाज हैं इसके अंदर. अब इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में जो है वो एग्जांपल्स करेंगे.